हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, जो कि क्वार्टर एंडेड और हाफ ईयर एंडेड का, और साथ में 5.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का एक एंट्रीम डिविडेंड भी जो है सो डिक्लेयर और पेमेंट कर दिया गया है, जिसका रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया 28 अगस्त 2024 का। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। और गाइज, यहाँ पे नंबर्स जो दिए गए हैं लैक्स में नंबर्स है। इनकम की बात करेंगे तो इस बार का इनकम है 5850.6 करोड़ का, जून 24 में 5351.9 करोड़ का, और सितंबर 23 में 5050.3 करोड़ का इनकम है। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंस कंपनी का हुआ है 5186.4 करोड़ का, जून 24 में 4850.4 करोड़ का, और सितंबर 23 में 4453 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का इंक्रीज किया है इनकम के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जो अंडरराइटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे एक्चुअली लॉस हुआ है, अंडरराइटिंग लॉस हुआ जो कि 160.9 करोड़ का, जून 24 में 346.6 करोड़ का, और सितंबर 23 में 147 करोड़ का अंडरराइटिंग प्रॉफिट लॉस हुआ है। इस बार का लॉसेस रिकवर किया है, ईयर ऑन ईयर में लॉस इंक्रीज किया है, और यहाँ पे ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 664 करोड़ का, जिसके बाद कंपनी का टोटल एक्सपेंस हुआ, उसके बाद अगर देखा जाए तो 20.6 करोड़ का एक्सपेंस है। पिछले क्वार्टर में 19.5 करोड़ का ऐड हुआ था, और सितंबर 23 में 55.3 करोड़ का ऐड चार्ज हुआ था, जिसके बाद कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया 919 करोड़ का, जून 24 में 773.9 करोड़ का, और सितंबर 23 में 763 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज किया है। आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट है 693.9 करोड़ का, जून 24 में 580.3 करोड़ का, सितंबर 23 में 577 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। EPS 14.05 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। और गाइज, कंपनी का अगर हम देखें गाइज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट पेश किया, क्योंकि इनकम प्रॉफिट दोनों इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या फिर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इनकम में इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम इसके शेयर की बात करें, रिजल्ट आया 5 PM के अराउंड इसके रिजल्ट आया, और शेयर की बात करें 2011 रुपीज़ पे शेयर क्लोज किया, जो 1.4% का आज क्रैश किया है। 5 डे में 3.3% का लॉस है, 1 मंथ में 6% का लॉस है। इस कंपनी एक बहुत बड़ा लॉस डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन अब चांसेस है कि कंपनी का शेयर यहाँ से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि रिजल्ट कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेश का, इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आप लॉस में तो एवरेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।